बारात के स्वागत का हमारे यहाँ बड़ा महत्व है, और बाराती जो शब्द है, बाराती एक स्पेशल जो है उनको सुविधाएं दी जाती हैं। कई बार आम बोलचाल पर भी हम बात करते हैं, अरे अपने आप को बाराती समझ रहा है, मतलब सुविधाजनक स्थिति बारातियों की होती है, और इसी कारण जो है बारातियों को एक खास जो है सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं जब बारात आती है। एक बहुत अच्छा मामला सामने आया अलीगढ़ का। एक लड़की जो है अपनी शादी के कार्ड को लेकर पहुंचती है, क्योंकि आमंत्रण जो है बटना शुरू हो जाता है शादी के पूर्व, और विशेष लोगों को आमंत्रण दिया जाता है। एक लड़की जो है डीएम को अपने शादी का कार्ड देती हैं, और स्टाफ को जो है डीएम साहब जो हैं वो नेंग का इशारा करते हैं। लड़की रुकती है और कहती है, सर ये उपहार तो रहने दीजिए, 27 तारीख को बारात आ रही है, बारात पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, मतलब सुगम मार्ग नहीं है, सड़क ठीक करवा देंगे तो मैं मानूंगी कि आपने वास्तव में मेरे इस आमंत्रण को स्वीकार किया है और मुझे शुभ आशीष प्रदान किया है। इस मामले को आप सरलता से समझेंगे तो बहुत आसान है, लेकिन इसके दूसरे पक्ष की ओर आप यदि जाते हैं तो कितने अच्छे से अपनी बात को हम रख सकते हैं, कितने अच्छे से, जिसे हम गांधीगिरी भी कहते हैं, कितने अच्छे से चीज़ों को करवाया जा सकता है, या लोगों को ये कहा जा सकता है कि भाई इसकी आवश्यकता है। इस लड़की ने वही काम किया और बहुत अच्छी पहल जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। अलीगढ़ जिले की इगलास तहसील के हस्तपुर गांव की रहने वाली युवती की 27 फरवरी को शादी है। शादी तय होने के बाद करिश्मा की बारात आने को लेकर समस्या आ रही थी, क्योंकि उसके गांव की सड़क इतनी जर्जर हो चुकी थी कि बारात को आने में परेशानी हो सकती थी। अपनी इसी समस्या को लेकर करिश्मा डीएम कार्यालय पहुंची और शिकायत देते हुए शादी से पहले सड़क बनवाने की मांग की। करिश्मा का कहना है कि सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिनमें काफी कीचड़ भरा हुआ है, सड़क पर पैदल चलना भी काफी मुश्किल है, जिससे बारात निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहां के जो जिलाधिकारी हैं उनका नाम है चंद्रभूषण सिंह, उनका कहना है कि ये युवती जो हैं करिश्मा उनके पास आती हैं, प्रार्थना भी करती हैं, अपना आमंत्रण भी वो सौंपती हैं, और वो बताती हैं 27 फरवरी को शादी है, साथ ही जुड़ी हुई जो दिक्कत है उनसे उनको अवगत कराती है, जिसके बाद जो है आगे की कार्य जो है डीएम साहब के द्वारा संपादित करवाई जाती है। युवती की शिकायत के बाद संबंधित अधिकारी के साथ गांव जाया जाता है और मनरेगा और अन्य योजना के तहत सड़क बनवाने का कार्य शुरू कराया जाता है। अब मानना यह है कि युवती की शादी के पहले पूरी सड़क बना दी जाए, ये जो कार्य युवती के द्वारा किया गया है मिशन शक्ति अभियान का परिणाम है, ऐसा डीएम साहब का वहाँ का कहना है। लेकिन एक पहल जो है जीवन में बहुत ज़रूरी होती है, हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ाते हैं, पहल नहीं करते हैं, तो ये जो पहल है बहुत अच्छी पहल है, और इस पहल के लिए बहुत बहुत उन्हें बधाई शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।